नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूँ आपके साथ मेघा चिल। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में आज एनडीआरएफ की टीम ने पुलिस के जवानों को आपदा के समय बचाव और उसके प्रभाव को कम करने के गुण बताए। साथ जिले में सामान्य नागरिकों को भी आपदा प्रबंधन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की 6 बटालियन के इंस्पेक्टर अंकुश शर्मा ने बताया कि जिले में आपदा प्रबंधन के समय आमजन भी बढ़ चढ़कर भाग ले, साथ ही पुलिस के जवान उसे सहयोग करें, इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रिजर्व पुलिस लाइन में इसके तहत पुलिस जवानों को फर्स्ट एड, CPR, आग बुझाने के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, आपदा के समय मानव शरीर से ज़्यादा रक्तस्राव होने की स्थिति में कैसे जीवन को बचाया जाए, इस विषय में प्रशिक्षण दिया गया। अंकुश शर्मा ने बताया कि जन जागरूकता अभियान के तहत जिले के विद्यार्थी और आमजन को भी जोड़ा जा रहा है। आगामी दिनों में इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। सिविल डिफेंस है, यदि कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बात होती है तो आप लोग ही सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं। तो आपने क्या करना है, उस बात को अपने हाथ को या इस तरह से लगाना है, उसके बाद में कंटिन्यू 30 बार कंप्रेशन देना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 थोड़ी बहुत जो मिल रही हुई और बंद हो जाएगी, आपने यदि मुंह नाक दबा दिया तो मुंह और नाक को 5 बार आप इस प्रकार से पहले तो आग बुझा देंगे। तो हमें पता होना चाहिए वो स्टिकर तो जबके लिए है जब आप खोले। जय हिंद, मैं इंस्पेक्टर अंकुश शर्मा, 6 वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। हमारी टीम यहाँ अभी प्रतापगढ़ जिले में हमारे जो बटालियन के कमांडेंट श्री VVN प्रसन्ना सर के मार्गदर्शन में यहाँ जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी हमें दिल्ली से भी गाइडलाइन है और NDMA गाइडलाइन 2016 के अकॉर्डिंग हम लोग स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम भी यहाँ कर रहे हैं और आगे जनता को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि कभी भी कोई किसी प्रकार की आपदा होने पर या किसी भी प्रकार का डिजास्टर होने पर सभी लोग बढ़ चढ़कर उसमें भाग ले सकें और उस आपदा से होने वाले प्रभाव को कम कर सकें। इसी संदर्भ में ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और सभी टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ये कार्यक्रम कर रही हैं। और क्या क्या डेमो दिखाए गए आज के इस प्रशिक्षण की बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जो हमारे पुलिस के कर्मी थे उन लोगों को आज हमने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें हमने मेडिकल से संबंधित जैसे कि फर्स्ट एड किस प्रकार से दी जाए, ब्लडिंग कंट्रोल के तरीके, CPR देने के तरीके ये बताए गए। उसके अलावा हमने आग बुझाने के किस प्रकार के यंत्र होते हैं और क्या क्या हम आग बुझाते समय सावधानियां रखें और उसके संदर्भ में भी हमने पूरी जानकारी दी। सर, इसका उद्देश्य क्या है और किसके निर्देश से हो रहा है? इसका उद्देश्य की बात करें तो सीधा सा उद्देश्य यही है कि ये जो कार्यक्रम है जन जन तक पहुंच सके, जागरूकता का जो मिशन हमने चलाया जा रहा है तो ये कार्यक्रम सभी के माध्यम से हम जनता तक पहुँचाएं, ताकि क्या है अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा जागृत हो।